তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, তুমি এই সাবস্ক্রাইব করবে না খেতে পাবো না। हेलो बंधुरा, वेलकम बैक माय चैनल रॉयल एडवेंचर राइड। आमी आछि शानवार और आज के निये एसेछि तुम्हादेर सामने जे भिडियोटी सेटा तुम्हरा देखेई बुझे गेछो आशा करी। हाँ, पप्पू धाबा खूब प्रचलित एक रेस्तोरा जेटा 1970 सालेर सृष्टि और से ही रेस्तोराय आज के आमरा एसे गेछि तड़का रुटी खेते। एखानकार फेमास फूड तड़का रुटी जेटा किना आमरा खेते चले एसेछि। এখানকার বিশেষত্ব হচ্ছে এই রাস্তাটা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই লং ডিস্টেন্স মনমুগ্ধকর একটা রাস্তা আমাদের খুব আনন্দ দেয়। আমরা শহরতলির কোনায় কোনায় খাবার খেয়ে অভ্যস্ত, একটু দূরে যেতে পারলে খুব খুশি হই আমরা, আর সেই সুবাদেই এসে গেছি আমরা এই রেস্তোরাঁয়। আমরা শুধু ধাবায় খেয়ে থেমে থাকিনি, এই গঙ্গার পাশেই আমরা রান্না করে কিছু ভাজাও খেয়েছি, খুব মজা করেছি আমরা। दोस्तों, हम आ चुके हैं पप्पू धाबा पलसंदा, आपको दिखाने के लिए यहाँ का फेमस फूड और एरिया कैसा लगता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है, और हम जिस जगह पे बैठे हैं ये खटिया है, आपको शायद पता होगा, ऐसी खटिया आपने देखा होगा गांव में, हमारा दादा लोग बनाता था, हम उसमें बैठे थे पहले। और ये इस जैसा खटिया आपको ढाबे में ही मिलेगा। ये ढाबा और लोकल रेस्टोरेंट इनमें थोड़ा फ़र्क है, ये ढाबा सिर्फ हाईवे के साइड पे ही आता है ऐसा ढाबा। थोड़ा मेनू बुक देख लीजिए, आप यदि इंटरेस्टेड है तो थोड़ा पॉज करके देखिएगा, पूरा हम दे दिए हैं किसका कितना प्राइस है। पूरा मेनू बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, ढाबा में जो खाना फेमस है, बहुत दूर से लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, और बहुत कुछ खाना मिलता है यहाँ, लस्सी, आलू पराठा और भी बहुत कुछ खाना है, हम भी खाए हैं बहुत कुछ खाना। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं मैप में वो डिस्टेंस घर से वहाँ तक। अब देखिए, जयगंज से स्टार्ट होके हमने पप्पू धाबा गए थे पलसंदा, और यही हमारा रूट है। निमतला फेरीघाट क्रॉस करके हम नदी के किनारे के जो रोड निकल गया वहाँ तक हम उसी रोड से चले हैं, और रास्ता बहुत ही सुंदर है, और इसी वजह से हमको वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रास्ता का मज़ा जो है वो हम पूरा उठा पाए हैं। अब देखिए, पप्पू धाबा जाने के लिए थोड़ा नेशनल हाईवे भी मिलता है, वो नेशनल हाईवे का मज़ा भी हम उठा पाए। दोस्तों, ये नेशनल हाईवे को जूम करके मुझे आज ही पता चला कि ये बादशाही रोड कहा जाता है इस रोड को। हम तो यूं ही जानते थे कि ये नेशनल हाईवे है, और इसका नाम जो बादशाही रोड है पलसंदा, सो मुझे आज ही पता चला। और पप्पू दा ढाबा, अब देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है पप्पू दा ढाबा, ठीक है। अभी आप जाइएगा वहाँ पे तो देखिएगा उसका नेम प्लेट में लिखा होगा पप्पू ढाबा, लेकिन पहले पप्पू दा ढाबा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो यही है वो रोड जिस रोड पकड़ के हम गए थे, और रात को आए, बहुत रात, बहुत मज़ा लिए थे हम रात को। आप देख सकते हैं वीडियो के पहले में थोड़ा दिया हुआ था हल्ला हम किए थे। दोस्तों, एक बात हम हमको कहेंगे, आप जब वहाँ जाइएगा ना तो ये टेबल चेयर जो भी है इसमें मत बैठिए, ढाबा का असली आनंद वहीं पर है खटिए पर। अब यदि खटिए पर बैठिएगा ना जब खाना खाइएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम आए ढाबा आए, ढाबा का खासियत ही है वो खटिया। अब चेयर टेबल में तो आप कहीं पर भी किसी रेस्टोरेंट पर बैठ के खा सकते हैं, लेकिन ढाबा का खासियत ही है खटिया, तो ज़रूर खटिए पर बैठिएगा। हम लोग जब गए तब हमारा चार में से कोई बोला कि चलो चेयर में जाते हैं, लेकिन फिर हमने बोला
चलो खटिए में ही जाते हैं, सभी भी जो भाई भी बोला खटिए पे जाते हैं, तो सब मिला के हमने खटिया डिसाइड किया और वहीं पे बैठ गए। तो मानो इतना अच्छा लगा ना कि हाँ आए हम ढाबे पे आए खाने के लिए, ऐसा एक फीलिंग्स आया। अब देख सकते हैं हमारा पीछे कितना लाइटिंग का सजावट है। यहाँ पे सगीर भाई बोल रहा था कि ये पप्पू दा ढाबा है या पप्पू ढाबा है, हमने कहा दोनों ही चलेगा। अब देख लीजिए कि गूगल मैप में पप्पू धा लिखा मिलेगा आपको, और जो ने फूड का जो लिस्ट होगा वहीं पर भी आप देख सकते हैं पप्पू दा, लेकिन नेम प्लेट में पप्पू ढाबा लिखा होगा। तो चलिए खाना आ चुका है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आलू पराठा है और तड़का रोटी भी है। तड़का का क्वालिटी दो टाइप का है, एक या बटर तड़का ऐसा कुछ है और नॉर्मल तड़का भी है, रोटी है, मतलब कि फुल फेज में खाना तैयार है। अब खाने के लिए हम रेडी भी हैं, तो चलिए हम खा के बताते हैं आपको कि कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया लगा था हमको। ये आलू पराठा जो है ना, ये मेरा फेवरेट डिश है यहाँ का। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पे तड़का रोटी फेमस है, लेकिन आलू पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी जाते हैं ये एक लेते हैं ज़रूर। बहुत लजीज है खाना। दोस्तों यहाँ हम खाने जब आए थे, तब आने के वक्त हम गैस और खाना पकाने का एक सामान भी लाए थे। तो आप देखिएगा वीडियो के एंड पर हमने नदी के किनारे कुछ पका के खाए भाजा, जो हमको अच्छा लगता है। हम थोड़ा थोड़ा चिकन फ्राई हम करके खाए थे, नदी का हवा का लुत्फ़ उठाएं और कुछ कुछ पका के खाएं, वो भी आपको वीडियो के एंड तक इन पर मिलेगा। अब देखिए हमारा तड़का रोटी जो है वह चल रहा है, हम खा रहे हैं, और चिली और प्याज भी है हमारे पास, हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और तड़का रोटी खाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमको खाने में। रोटी जो था तो रोटी ऐसा लग रहा था कि चावल का आटा भी शायद उसमें मिला होगा, बहुत नरम था और बहुत अच्छा लग रहा था, नमकीन था बहुत। एरिया देखिए आप, लाइटिंग में पूरा सजावट है, बड़ा बड़ा लाइट ऊपर से रस्सी से टंगा हुआ है। बहुत खाना भी अच्छा है, एरिया भी अच्छा है, और बहुत ही फ्रेश एंड क्लीन है, मज़ा आ जाएगा भैया। और यदि आप शाम पे थोड़ा हवा चल दिए ना, तो और भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे अंदर बैठ के खाने का भी आप यदि चाहे तो खा सकते हैं, अंदर एसी रूम भी है, आप वहीं पे बैठ के खा सकते हैं। नॉर्मल ऐसे कि नॉर्मल टेबल चेयर भी रखा हुआ है अंदर, घर के अंदर वहीं पर भी आप बैठ के खा सकते हैं। हम वहाँ एक बार बैठ के खाए थे, लेकिन मानिए आज ये खटिए पे बैठ के ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भैया हम खा रहे हैं, ढाबे पे बैठ के खा रहे हैं। ये जो प्याज है आप मुंह में डाल के थोड़ा दीजिएगा ना, ओह सच में, और साथ ही थोड़ा चिली, आलू पराठा और थोड़ा रोटी और तड़का, चारों मिला के मुँह में डालिए तो आँख बंद करके खाइएगा भैया, आँख बंद करके खाइएगा। लजीज खाना जब आप खाइएगा तो थोड़ा खाना का मज़ा लीजिए। पीछे से हवा आ रहा है, इतना सुंदर, पूरा खुला आसमान से आपका हवा पीठ पे लगेगा, और हाईवे का जो बड़ा बड़ा ट्रक का आवाज़ है वो भी आपको सुनाई देगा, और साथ ही साथ आपको ये लजीज खाना मुंह से डालिएगा, अंदर जाएगा ना तो स्वाद मानिए एकदम दिल खुश हो जाएगा भैया। थोड़ा टिश्यू पेपर लीजिएगा, आँख और से थोड़ा पानी आएगा ना कच्चा, जब आप लंका चिवाइएगा तो आपका आँख से तो पानी आएगा ही, टिश्यू पेपर लीजिएगा, वो थोड़ा पोंछना पड़ेगा आपको।
तो ठीक है, फिलहाल अब देखिए हम ये खाने के बाद एक लस्सी भी लिए थे। आपको बता दें यहाँ का लस्सी बहुत फेमस है। आप तड़का रोटी, पराठा वगैरह जो भी आप लीजिएगा खाइएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैठ के एक लस्सी मंगवाइएगा और बैठे बैठे वो लस्सी पीजिएगा। मेरा मानिए तो लस्सी हम बहुत जगह पिए थे, लेकिन यहाँ का लस्सी बहुत फेमस है। अब कुल मिला के ये हुआ कि खाना तो बेहतर है ही, साथ ही साथ आप जिस रोड से जाइएगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस का मज़ा आपको रात को सुनसान रास्ते और जो झिझिर आवाज़ होता है गांव का रास्ते में, कोई ट्रक वगैरह नहीं होगा तो उस रास्ते का मज़ा भी मिलेगा। हाँ, आप यदि जयगन से जाइएगा तब, अब यदि बहरमपुर से हाईवे पे पूरा आइएगा तब तो आपको गांव का रास्ता नहीं मिलेगा, हाईवे ही मिलेगा पूरा। तो हम जयगन से गए थे तो थोड़ा जो गांव का रास्ता भी हमको मिला था, उस रास्ते में हमने थोड़ा मज़ा लिया, रुका कहीं कहीं पे, हाईवे का भी थोड़ा मज़ा लिया। अप्पू ढाबा का जो नेम प्लेट है, यहाँ पे हर कोई आके फ़ोटो खींचता है, हम थोड़ा बहुत खींचे थे। अब देखिए रास्ता आ चुका है और हम स्टार्ट हो गया हमारा मज़ा लेना। अब टाइम रात 12:30 बज रहा है। आप देख सकते हैं कि नाव पे बैठे हैं, हमारा प्लेट पे सजा हुआ है चिकन फ्राई। हम यहाँ बैठ के पकाए निमतला घाट के टिक बाजू में ही, और ये पका के हम बैठ के खा रहे हैं। देखिए यहाँ का जो खासियत है ये जगह है, वो हमने बस इस जगह का मज़ा लिया सिर्फ। दोस्तों ये हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, यूरोप से आया हुआ भैया है ये, और उनसे थोड़ा बातें कर रहे हैं कि वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर। दोस्तों खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, जल्दी आ रहे हैं हम नया एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉयल एडवेंचर राइड कमिंग सून रिसेंटली। बाय बाय, टाटा।